राहुल गांधी की आक्रोश शैली में जीसे कॉलेज के छात्रों को ले जाया जा रहा है। जबरदस्ती कॉलेज के कुछ छात्रों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर वायरल किया वीडियो। कॉलेज प्रचार मुनालाल अग्रवाल पर लगाया आरोप। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जयपुर में एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर से लोग रैली में पहुंच रहे। इसी बीच अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के कुछ छात्रों का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में छात्रों ने अपनी पहचान छुपा रखी है और खुद को जीसी कॉलेज के छात्र बता रहे हैं। वीडियो में छात्र कह रहे हैं कि जयपुर में आयोजित होने वाली रैली को लेकर प्रचार है मुन्नालाल अग्रवाल उन्हें जबरन रैली में ले जा रहे हैं और वह रैली में नहीं जाना चाहते। वही उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की वजह भी बताते हुए कहा कि अगर हम अपना मुंह नहीं छुपाते हैं तो हमारे को या तो बाद में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या फिर कोई और दबाव बनाया जाएगा, जिससे हमारी पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, उसको देखकर लगता है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए अब कॉलेज के छात्रों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। कहीं ना कहीं राज्य की कांग्रेस सरकार अपने प्रशासनिक अमलों का भी सहारा लेने लगी है, क्योंकि एक सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य जो कि सरकारी कर्मचारी है और वह इस तरह से रैली में कॉलेज के छात्रों को ले जाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि वीडियो में बताया जा रहा है। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं एबीवीपी अजमेर के पदाधिकारी अनिरुद्ध सिंह जोधा ने अपनी सोशल साइट पर स्टेटस पर ये वीडियो लगा रखा है। क्या एक नेता की रैली में छात्रों को जाना उचित है और क्या प्राचार्य को इस तरह से जबरन उन छात्रों को रैली में शामिल करना भी कितना उचित है, ये तो सरकार ही जाने या फिर राहुल गांधी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का छात्र हूँ। कॉलेज के प्राचार्य मुन्नालाल जी अग्रवाल, जो हम छात्रों को कल रैली जयपुर में होने वाली रैली राहुल गांधी की रैली में जबरदस्ती भेजना चाहते हैं और हम लोग नहीं जाना चाहते, फिर भी हम पर दबाव बनाया जा रहा है। और हमारा ग्रुप है जो 15-20 जनों का ग्रुप है जो पढ़ने वाले हैं, बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, उनको भी दबाव बनाकर वहाँ भेजा जा रहा है। आज मैं रुमाल बांध के इसलिए सामने आया हूँ कि ताकि कल मुझे यहाँ से निकाल न दे, क्योंकि मेरे सभी साथियों, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का एक छात्र हूँ और कल राहुल गांधी जी द्वारा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा एक अजमेर में जयपुर में रैली की जा रही है। जो वो किसी भी सामाजिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उसके लिए जो हमारे यहाँ से कॉलेजों से छात्र ले जाए जा रहे हैं, उसके लिए हम उसमें साथ नहीं है, क्योंकि हम जाना नहीं चाहते, लेकिन कॉलेज प्राचार्य द्वारा जबरन ले जाए जा रहे हैं। मेरा मुंह पे बांधने का उद्देश्य भी यही है कि मैं कई किसी प्रकार से रेस्ट्रिक्ट या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बने, इसलिए मैंने मुँह पर ये कपड़ा बांध रखा है और हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज प्राचार्य द्वारा सभी को ले जाया जा रहा है। अतः आप मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का छात्र हूँ। हमारे जो प्राचार्य द्वारा जो गंदी राजनीति की जा रही है, जो कांग्रेस का एक की चमचागिरी की जा रही है, हमारा जो भविष्य है उसे बिगाड़ा जा रहा है। हमें जो राहुल गांधी की रैली है कल जयपुर के अंदर, उस पर जाने के लिए हमारे पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। अगर ऐसे ही हमारे पर दबाव बनाया गया तो हम ये कॉलेज से निकल जाएंगे और इससे हमारी पढ़ाई बहुत ख़राब होगी। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब राजनीति बंद करें और हमारे छात्र जीवन को बर्बाद ना करें। और आज जो मैंने मुंह पे रुमाल बांध के बात रख रहे हैं, क्योंकि कल ये ना हो कि कल हमारा नाम आए, हमारे ऊपर केस लगा दे प्रिंसिपल, हमें रेस्टिगेट कर दे, हमारे माता पिता जो